हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एपिसोड 2 में माफिया से प्यार। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। विहान की बातें सुनकर मिली बोली, तुम ऐसा कह सकते हो। तो विहान कुछ सोचते वे बोला, अगर तुम अकेली हो तो क्या मैं इस खूबसूरत लड़की को कंपनी दे सकता हूँ। मिली विहान की फ्लर्ट करने से गुस्सा हो जाती है और विहान मिली की गुस्से भरी आँख हमें देख कर बोलता है, किसी ने तुम्हें बताया नहीं तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो। मिली बोली, मुझ पर तुम्हारे फ्लर्ट करने का कोई असर नहीं होने वाला। तो विहान बोला, तो किस चीज़ का असर होता है आप पर। मिली विहान से बोली, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। तभी विहान बोला कि काश ही छोड़ पाता, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को अकेला नशे में धुत लोगों के बीच छोड़ना सही नहीं है। मिली मन ही मन बोली, हैंडसम तो है ये लड़का। मिली ध्यान से विहान के हैंडसम चेहरे की ओर देख रही थी कि तभी विहान मिली को अपनी ओर ऐसे देखता हुआ पाता है। तो विहान बोलता है, तस्वीर ले लीजिए मेरी, लगता है आपको मेरा चेहरा काफ़ी पसंद आया है। विहान की बातें सुनकर मिली झेप जाती है और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है वो तो मैं। विहान बोला, अब रहने दीजिए, अब झूठ बोलने की कोशिश मत करिए, आपकी ये भोली आँखें सब सच बयां कर रही है। ओह, तो तुम्हें आँखें भी पढ़ना आता है मिस्टर विहान। विहान बोला, हर किसी का नहीं, लेकिन तुम्हारी आँखों में कुछ तो खास है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। ये बोलते बोलते विहान मुस्कुराते हुए मिली के करीब आने लगता है। मिली मैं विहान मिली अचानक यूँ करीब आने से मिली की धड़कन तेज हो जाती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो विहान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आपकी आंखों में बहुत दर्द छुपा है और आपकी आंखें कह रही हैं कि आप किसी से भागने की कोशिश कर रही हैं। तभी विहान उसकी आंखों में झांक कर बोलता है, किससे भाग रही हैं आप, अतीत से। मिली विहान के मुंह से ये सुनकर सॉफ्ट हो जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। हे भगवान, इसे कैसे पता चला, कहीं से उसने तो नहीं भेजा है। विहान झिलमिल के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर बोलता है, क्या हुआ झिलमिल, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। मैं तो मजाक कर रहा था यार, और हंस देता है। एक बार फिर मिली को ड्रिंक के लिए पूछता है, लगता है आपको स्ट्रॉन्ग पीने की ज़रूरत है। तभी मिली थोड़े गुस्से से बोलती है, मैंने कहा ना आपको कि मैं पीती नहीं हूँ। विहान बोला, लेकिन कभी कभी कम भुलाने के लिए पीना जरूरी है। हो अच्छा, मिली बोली, पर मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ड्रिंक करने से लोगों के गम मिट जाते हैं। सुने अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया बेवड़ी होती। और हाँ मिस्टर विहान, आप मेरी छोड़िए, मैं तो कहती हूँ कि आप भी ड्रिंक करना छोड़ दें, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विहान मिली की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। जब मिली ने देखा कि विहान उसकी ओर बड़ी देर तक टक देख रहा है, तो मिली ने पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया जो आप मुझे ऐसे घूर रहे हैं। विहान बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस पहले कभी किसी ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं है, और इसलिए तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मुझे आदत नहीं है इन सब चीज़ों की और ना ही अच्छे बर्ताव की। तभी मिली विहान की बातें सुनकर तपाक से बोलती है, क्यों, आपके घर वालों को भी फिक्र होती होगी ना आपकी। विहान मिली की बातों को सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है और उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। तभी मिली को एहसास हुआ कि शायद वो कुछ गलत बोल गई। तभी मासूम सा चेहरा बनाकर विहान से बोली, सॉरी, मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो। विहान बोला, नहीं कोई बात नहीं, वैसे तुम चाहो तो हम इस जगह से बाहर चल सकते हैं, शायद तुम्हें भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मिली बोली,
लेकिन मैं अकेली कैसे, और हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। विहान बोला, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो, और मैं किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ तक नहीं लगाता। यूं ये मेरे वसूलों के खिलाफ है, मिली बोली। मुझे भी इससे बाहर जाना है, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मुझे अपनी सहेलियों को बताना होगा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ। मिली अपना फ़ोन निकाल कर सिवी को कॉल करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो विहान की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और दूसरी ओर मुँह करके वन्या को कॉल करती है, लेकिन वो भी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। तभी मिली विहान को बोलती है, मेरी दोनों दोस्त फ़ोन नहीं उठा रही है, लगता है उनको मुझे ही ढूंढना होगा। विहान मिली की बात सुनकर बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब वो ना मिले तो यहीं लौट आना, यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ, ओके। और मिली विहान की बातों को अनसुना करके बिना जवाब दिए वहाँ से निकल गई और अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है और मन में बड़बड़ाने लगती है, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। दोनों को काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो दोनों नहीं मिलती है तो वो बाहर निकल जाती है कि इतने में ही कोई मिली का हाथ पकड़कर एक कमरे में खींचता हुआ ले जाता है और मिली की जोरदार चीख निकल पड़ती है, हेल्प हेल्प। मिली को कोई खींचता हुआ ले जाता है तो उसकी घबराहट से एक जोरदार चीख निकल जाती है। मिली पूरी तरह से पसीने पसीने से लथपथ हो चुकी थी, डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिर कौन है जो मुझे यहाँ लेकर आया है? तभी कमरे में आती हुई हल्की सी रोशनी में मिली को लड़के का चेहरा नजर आता है। उस लड़के के मुंह से शराब की भयानक बदबू आ रही थी। वो लड़का मिली को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है और भद्दी टिप्पणी करता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो जाने मन, अकेले अकेले, एक रात हमारे साथ भी बिता ले। तभी मिली घबराहट से कहती है, कौन हो तुम? और हाँ छोड़ो मेरा, वो नशेड़ी लड़का बोला, छोड़ देंगे, पहले मेरे करीब तो आओ। लड़का मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो लड़का मिली जबरदस्ती हाथ पकड़ता है तो मिली को गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और उस लड़के को धक्का देकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से बोलती है, अबे रुक, अभी बताती हूँ तुझे, तेरे साथ एक रात साले ठरकी। मिली पूरा जोर लगाकर लगभग चिल्लाते हुए बोली और उसने अपने घुटने से उस लड़के के टांग के बीच मार दी है और एक मुक्का उसकी नाक पे मार कर दरवाजे की ओर भागती है। मिली ने इतनी जोर से वार किया था कि वो लड़का वहीं दर्द से चीख पड़ा और वो वहीं जमीन पर पड़ा रहता है। वो लड़का मिली को भागता देखकर बोलता है, रुक साली, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि मिली दरवाजा खोल पाती, उससे पहले ही वो लड़का मिली को पकड़ लेता है और कहता है, अब कहाँ भागेगी। वो लड़का मिली को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लेता है। मिली उसे छूटने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर मिली के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उसे छोड़ने के लिए बोलती है कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे के पास खड़ा लड़का बहुत गुस्से से बोलता है, लड़की को हाथ छोड़। वो नशेड़ी लड़का दरवाजे की तरफ देख बोला, कौन है बे तू? तभी विहान गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का सामने विहान को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और डरते हुए विहान से कहता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ है। तभी विहान उस लड़के को गर्दन पकड़ के अपनी तरफ खींचकर उसके कान में कुछ कहता है और वो लड़का घबराते हुए वहाँ से भाग जाता खड़ा होता है। और मिली वहाँ खड़े कब से विहान और उस लड़के को हैरानी से देख रही थी। फिर विहान मिनी को खुद को ऐसे घूरते हुए पाता है तो वो मिली से पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कौन
है विहान, और क्यों वो लड़का विहान को देख कर डर से भाग गया? क्या विहान भी मिली के साथ वही करेगा? आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से फीडबैक देना ना भूलें। बाय बाय।